मुझे प्रभावित करना चाहते हैं वे लोग गुरु मंत्र का पांच माला जप करने के बाद एक विशेष बिलो पत्र उसके साथ आपके राशि अनुसार रुद्राक्ष किया जाएगा। उस रुद्राक्ष को हाथ में रखकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात का 11 माला जप कर वो रुद्राक्ष और बिलो पत्र जो रखेंगे ये इस दर के अघोर साधना के लिए अधिकारी होंगे। अघोर साधना क्या होती है मैं मेरे प्रवचन में सुनाऊंगा, लेकिन शिवजी को अघोर कहा गया है। घोर का अर्थ होता है ऐसी घटना जो हमें पता न हो और अपने जीवन में घट जाए जिससे नुकसान हो, और अघोर का अर्थ यह होता है कि कभी दुर्घटना जीवन में हो ना हो नहीं हो और हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। जो जीवन में छोड़ दिया गया हो, जो पिछोड़ दिया गया हो, उससे भी हम सुख और आनंद प्राप्त करने की ये तत्व को भस्म से धन को प्राप्त करने, भस्म से ऐश्वर्य को प्राप्त करने, भस्म से सिद्धियों को प्राप्त करने, यानी जो कुछ जल गया हो, भस्म हो गया, सब कुछ जल गया हो, उससे प्राप्त करने के विधान को अघोर विद्या कहा गया है। और उस अघोर विद्या की प्राप्ति के लिए जो जानता है वो लोग अपने पास पहले पांच माला गुरु मंत्र जब तक गुरु भजन हो तब पांच माला गुरु मंत्र कर ले, उसके बाद ही को ही निरीक्षा प्रदान की जाएगी। आज चतुर्दशी अमावस्या है, तब पूर्ण अमावस्या है, इस बात का ध्यान रखें। आगे का कार्यक्रम नारायण भगि से हो रहा हम यहाँ पूजन करते हैं। सब लोग वास्तव होते हैं परीक्षा छोड़ के स्टूडेंट के भाग लेने में गुरु के लिए। गुरु जी ने जो मेहनत करने के बाद अमावस्या मेरा घर बार था और मानसिक मास था और अमावस्या के लिए गुरु जी ने एक तत्र दीक्षा ली थी जिसका फल आज आप देख रहे हैं कि आश्रम हो मैं हो या कोई भी हो। अब भोर और भोर में फर्क इतना ही होता है, भोर का अर्थ होता है जो हमें न मालूम होता है घटनाएं घटती घटती चली जाती है, उसे घोर बहुत घोर हो गया, अघोर हो गया नहीं कहते। अघोर का मतलब होता है ऐसी बात जो हमें मालूम होकर हो, जो हमें मालूम होने के लिए गंदा है कीचड़ है, हम कीचड़ को स्टेट कर देंगे। आपको पता है कि मनुष्य मर जाता है शमशान में जाने के बाद हम शमशान को स्वर्ण लेते जल्दी स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन शिवजी उसी स्मशान तत्व को धारण करते हैं और कहते हैं इसमें जीविता है, इसलिए अघोर कहलाए थे। उस अघोर का को ऐसा कोई संसार में देवता नहीं जो अघोर नहीं है। इसका उदाहरण मैं बाद में लेता हूँ, देवता किस तरह अघोर। और इस अघोर तत्व में क्या है कि हमारे में जो आज हमारे जीवन में घटना घटने वाली है अपने को पता है कि एक कीचड़ है, अपने को पता है कि बदल जल गया है, इसमें कुछ नहीं है। हम सब लोगों को एक आदत है जिंदा आदमी है अच्छा सुंदर दिखता है तो उसको गले लगा लेते हैं, प्रेम करते हैं, फिर पलने दे भी प्रेम करते हैं, भस्म को कोई नहीं लगाता है, जरा हुआ है उसको तो जल में कभी पानी में जल में डालो उसको हटा लो कहते हैं। लेकिन एक शिवजी के ऐसा अधिकार है जो सब कुछ भस्म हुआ उसे धारण करके कहते हैं मैं इसको जीविका प्रदान करता हूँ, इसलिए भी अघोर कह जाएंगे। उस दिव्यता का दिव्यता की साधना को अघोर साधना कहा गया जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ गया शरीर में या हमारे पास जिस चीज को हम कहते हैं कि बेकार व्यक्ति उसको कोई काम में नहीं किया या देवता तत्व को प्राप्त किया। सभी लोगों ने अघोर साधनाएं की है, इसका उदाहरण किस तरह है मैं आपको बाद में लेता हूँ क्योंकि लोगों का आना मेरा उन लोगों का है घटनाएंगे हम सब तक का भजस्कार लेके मैंने जैसे आपको कहा है। आज इस अघोर साधना को मैंने दिल्ली को मिलने के बाद कम से कम 86 से नहीं तो 25 साल हो गए या और ज्यादा ही हुए ये साधना आज तक नहीं है। सभी लोग अघोर पद्धति के नाम से डरते हैं, काम जाते हैं कि अघोर क्या चीज है, अघोर ऐसी कौन सी जानना है। आप काली महान किया लोग काली ने नमारा करनी है स्मशान में, हम स्मशान में खड़े भी नहीं रहते वो अघोर ही किया, लेकिन काली ऐसी ऐसी तत्व शक्ति है कि आप बेकार भी हो तो आप में कुछ न कुछ कारण आपको एक संसार का भी ताना ही कर सकती है। शिव भी जब बेकार हो गए तो उनको नीचे डाल कर कहते हैं कि मैं तत्व को बताती हूँ कि इस तरह इसमें शब्द शिव कैसे बनाया जाता है, इसे अघोर तत्व कहा गया है। सभी लोग जो मुंडमाला है जो शरीर की फिर कटने के बाद अपने मुद्दे रह जाते हैं उसको बार धारण करने धारण धारण करके पूजनीय बनी गई काली वो अघोर विद्या वाली देवी उसको महाविद्या कहा गया। और जो इस महाविद्या को समझता है, जो इस भस्म से देवताओं की सृष्टि करता है, जो इस भस्म से अपने क्षेत्र में एक विशेष तत्व को लाता है नश्वरता से भस्म होना क्या मतलब है नष्ट हो जाना नष्ट हो जाना,
कृष्ण नेशनल का ईश्वर का प्राण करने के जरिए आपको अबोर्ट तत्व का दिया है। अबोर्ट कोई ऐसी अबोरी तत्व है, अबोर्ट कोई गलत चीज नहीं है। वो लोग इस संसार में जो चीज बेकार हो गई है, जो कुछ काम को नहीं आती, उस चीजों से जिस तत्व को प्राप्त करते हैं उसे अबोर्ट कहा गया है। और वो अबोर्ट केवल शिव जी है। और उस अबोर्ट तत्व को कोई ऐसा करता नहीं जिसने धारण न किया हो, चाहे वो किसी भी धर्म का देवता हो, उसने अबोर्ट साधना की तभी देवता हुआ। और ये कैसा हुआ मैं आपको बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि आप पांच बार गुरु से पढ़े, उसके बाद रुद्राक्ष के साथ वीरभद्र हाथ में धारण कर लेकर रुद्र गायत्री का 11 माला मंत्र करें। हम कब धारण करेंगे? क्योंकि सभी लोगों की परीक्षाएं 1 बजे तक हो जाएगी। और वो लोगों ने कहा है कि गुरु हम 2:30 बजे तक किसी भी तरह की बेटे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम देना। तो मैं आपको आज गुरुकुल के साथ आरंभ तो कर दिया हूँ, आपको 3 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक साधनाएं करवाऊंगा। आप पहले आज भोजन कर लें, भोजन करने के बाद भोजन के बाद भोजन होगा, भोजन के बाद आप जिस समय साधना के लिए आएंगे उस समय आपके हाथ आपके शरीर को भस्म धारण कर लेकर हाथ में बिलोमंदर रुद्राक्ष लेकर 11 माला मंत्र पठन करके यहाँ आ जाए। अघोर तत्व तो क्या होता है और कैसे देवता अघोरी साधनाओं से ही देवता बने, ऐसा कोई संसार का संत महात्मा देवता कोई धर्म का अल्लाह हो या सृष्टि हो और कोई भी देवता हो, बिना अघोरी तत्व के देवता नहीं हुए। ये कैसे नहीं हुए मैं बता देता हूँ आपको। और इस तत्व से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं यह भी आपको बताता हूँ। इससे पहले हम सुंदर से भजन सुनेंगे और उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद स्नान करेंगे और 3 बजे सच्ची साधनाओं का कार्यक्रम आरम्भ होगा। एक सुंदर भजन सुनाए। एक दो हम आज गुरु जी के मंदिर में जितने भी हम साधु बैठे हुए हैं आनंद के साथ घूम जाए, ऐसे दो भजन सुनाए। उसके बाद हम 12-1 बजे भोजन का कार्यक्रम होगा और 3 बजे सही साधना 3 बजे तक हम सब पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और एक बार देखो।